इंदु दादी? नहीं है, आजा अंदर। रचना ने उसे अपने बच्चे के साथ उलझा के रखा हुआ। हमें पता था ना तू आने वाली है, इसलिए। आप दोनों को पता था कि मैं यहाँ आने वाली हूँ? कैसे? जिस तरीके से अभी आपसे बात कर रहा था, आपको ट्रीट कर रहा था, उससे हमें लगा कि वो आपको कमरे से निकालने की कोशिश तो जरूरी करेगा। आप लोगों को ये भी पता था कि वो मुझसे झगड़ा करने वाले? मुझे भी थोड़ी देर पहले ही इसने बताया। ती एक्चुअली अभी ने मेरे से बात करी थी इस बारे में, जब हम रेस्टोरेंट में थे, उस वक्त आप तनु के पीछे थे। आपको याद है, आपने मुझे फोन भी किया था। ती, मैं चाहता था उस वक्त मैं आपको सब कुछ बता दूं, पर आप अलग काम से गए थे। मैं चाहता नहीं था कि आप डिस्टर्ब, और अभी जो बातें बोल रहा था वो सब आप सुन के बहुत डिस्टर्ब हो जाते, इसलिए मैंने आपको नहीं पता। कोई बात नहीं, अब तो मैं आ गई हूँ ना, क्या बात है? ये सब तनु की वजह से हो रहा है। वो पता नहीं क्या कर रही है, अभी को इतना मैनिपुलेट करके उसको अपनी बातों में फंसा रही। दी, अभी को तो यही लगता है ना कि तनु का जो बच्चा है वो उसका है। वो आपसे दूर जा रहा है, अपनी फीलिंग्स को छुपा रहा है। वो चाहता है कि वो तनु के साथ आगे बढ़े, उसके साथ नई जिंदगी शुरू करे, ताकि तनु के साथ कोई नाइंसाफी ना हो, बस यही वजह। मैं देखती हूँ इस तनु का क्या करना है। इतना आसान नहीं है। इस वक्त जितनी तकलीफ वो तुझे दे रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ से वो खुद गुजर रहा है। नहीं नहीं दादी, आप चिंता मत कीजिए, मैं अब उनका ख्याल रखूंगी। वो चाहे मुझसे कितना भी नाराज रहे, मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। हम एक साथ अभी के सामने जाके सब सच बता देते हैं और उसे उसी के फैसले पे छोड़ देते हैं कि वो किस पर भरोसा करे और किस पर ना करे। ये आप क्या कह रही हैं दादी? अगर यही करना था तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? तो फिर मैं और क्या करूं? मैं अभी को तुझसे दूर जाते नहीं देख सकती, हिम्मत हार चुकी हूं मैं। अभी भी घबराहट सी होती है कि अचानक अगर मेरे सामने कुछ हो तो मैं कैसे बर्दाश्त करूं।